शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब द्वारा गांव स्मैन में एक दिवसीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 70 किलो भार वर्ग में हरियाणा व पंजाब राज्य की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 15,000 नगद इनाम दिया गया। इसके साथ ही बेस्ट रेडर व बेस्ट कैचर को भी विशेष रूप से इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए 200 मीटर दौड़ का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें वृद्धों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में मैराथन व अन्य दौड़ों में गोल्ड मेडल जीत चुके सतपाल सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हें क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। जो शहीद भगत सिंह जो स्पोर्ट्स क्लब है यहाँ के, जिन्होंने मेरे को पहले मान सम्मान दिया है और इतना बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है सर्कल कबड्डी का, जहाँ पर 74 केजीज के लोग खिलाड़ी आए हैं पूरे हरियाणा में से और पंजाब में से। और दूसरी बात ये, इतना मान सम्मान जो इन्होंने दिया है आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी सर्कल कबड्डी, जिन खिलाड़ियों को पता ही नहीं था इस बारे में कि इसका इंटरनेशनल लेवल तक भी इसकी डिमांड है प्लेयर्स की, और अब इंडिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल कबड्डी जो सर्कल कबड्डी के नाम से बहुत फेमस हो चुका है, और फॉरेन कंट्रीज से लोग कैनेडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री से अब सर्कल कबड्डी के टूर्नामेंट हो रहे हैं हाई लेवल पे। और सरकार हरियाणा में सर्कल कबड्डी में DSP की पॉइंट्स अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं और बाकी स्पोर्ट्स ग्रुप सी में भी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे ये गेम और बढ़े, खिलाड़ियों के लिए किसी भी स्पोर्ट लेवल पे ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। जिनको इनका हक मिल गया है मैं बहुत खुश हूँ, और जिनका रह गया है हक उनको भी दिलवा के छोड़ूंगा। नेक्स्ट के लिए चौहाना से नमन सिंह की रिपोर्ट।